ब्लेड यूज की जाए। अब लोग सवाल करते रहे ये क्या आपने बात कह दी कि ज़ेरे नाफ के बाल औरतें भी मेटल यूज कर सकती है, वस्त्रा यूज कर सकती है, लोहा यूज कर सकती है या ब्लेड यूज कर सकती है, कैसा हो सकता है? तो पहले मुझे बताइए आपके पास क्या दलील नहीं करने की? इन्होंने बोले थे, हमारे घर में हमारे बड़े बोलते हैं ऐसे, ये तो कोई दलील नहीं बड़ों का बोलना। आइए शरीयत क्या बोलती है, मैं आपको बताता हूँ। इस्तेहदाद, ये लफ्ज ज़ेरे नाफ के बाल निकालने को कहते हैं अरबी के अंदर। क्या कहते हैं? इस्तेहदाद, ये ज़ेरे नाफ के बाल निकालने को अरबी में कहते हैं। और इस्तेहदाद उसे इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर हदीद का यूज होता है, लोहे का यूज होता है, और ये दोनों के लिए यूज होता है। ऐसा नहीं कि मेल के लिए इस्तेहदाद, फीमेल के लिए कुछ और, दोनों के लिए सेम इस्तेहदाद, मतलब हदीद के जरिए बालों को साफ करना। ठीक है, आइए हदीस भी सुन लीजिए। सही बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का वाक़िया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर रज़ी अल्लाह उनको हुक्म दिया जब अपने घर की तरफ जा रहे थे, और यह हदीस में बयान किया और फरमाया, कहा जब तू रात के वक्त आए तो अपनी अहलिया के पास ना जा हत्ता कि वो औरत जिसका खाविन इससे दूर हो, मतलब सहाबा वगैरह सफ़र करते तो महीने दो दो महीने दूर होते, कहा फरमा रहे घर पर इत्तला भेजना चाहिए, डायरेक्ट शौहर को नहीं जाना चाहिए। और क्या फरमा रहे कि जिसका शौहर रात को घर वापस आए तो वो उसके अहलिया के पास ना जाए हत्ता कि वो औरत जिसका खाविन इससे दूर हुआ था वो लोहे का इस्तेमाल कर ले, वो लोहे का इस्तेमाल कर ले, यानी ज़ेरे नाफ के बाल निकाल ले और परागंदा बाल, फैले हुए सर के बालों को जमा ले। और इसके लिए अरबी का लफ्ज देखिए क्या है, हत्ता तस्तहिद्दा, ये हदीद से लफ्ज आ रहा है कि तस्तहिद्दा हदीद के जरिए, मतलब उस तरह जो लोहे का होता है, जब तक कि वो औरत लोहे का इस्तेमाल ना कर ले, उसका शौहर उसके करीब ना आए। ये किस चीज़ की दलील है कि औरत लोहा इस्तेमाल नहीं कर सकती? वाज़े हदीस है, पता नहीं लोग वाज़े हदीस कुरान और सुन्नत के आने के बाद क्यों इल्म हासिल नहीं करके अपने आप को धूल और जहालत की परतों के नीचे पाल के रखते हैं और संभाल के रखते हैं, और बताने के बाद भी नहीं 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 ऐसा थोड़ी होता किसी के एक बोलने से, हम जो कर रहे हो करते रहेंगे। और क्या यूज़ करती है औरतें जनरली हमारे समाज में? क्रीम्स। अब मेरा एक सवाल है, बेसिकली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्रीम्स थे कि हेयर रिमूविंग क्रीम्स? साबित कर दिया करते तो फिर सहाबियत कैसे करती होंगी? यही था तरीका रेजर का यूज़, यही था तरीका रेजर का यूज़, कोई दूसरा तरीका ही नहीं था उनके पास। एक सहाबी का मशहूर वाक़ा है जिनको सूली पर चढ़ा दिया गया, जब उनको सूली पर चढ़ा गया और जिस घर के अंदर बंद थे तो उन्होंने उस घर की मालकिन से, औरत से कहा कि मुझे वस्त्रा चाहिए इस्तेमाल के लिए, और उसने अपना वस्त्रा दिया। पहले ज़माने में वस्त्रों को ब्लेड नहीं आती थी, मालूम ना आपको, वो लोहे का होता था और उसी को धार लगाते थे, और ये तकरीबन 1960-70 तक इस्तेमाल होता रहा, वो एक ही लोहे का टुकड़ा, उसको धार लगाते थे, सबको यूज़ होता था। बाद में बीमारियां वगैरह आम हुई तो गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया और कहा कि हर किसी के लिए एक नई ब्लेड। अब तो इतने शेविंग ब्लेड वगैरह आसानी से आ चुके हैं जिसकी कोई इंतजार नहीं, तो उस ज़माने में तो ये क्रीम्स नहीं थे, स्ट्रिप्स नहीं थे, खींच के निकालने का तरीका नहीं था। फिर बताइए, फिर यही था तरीका, इसलिए हदीस के अंदर लफ्ज़ जो है तस्तहिद्दा, जब तक कि वो लोहे का इस्तेमाल ना कर ले, फिर मैं और आप कौन होते ये बोलने वाले नहीं। और क्रीम्स और ये जो पेस्ट और ये स्ट्रिप्स होते हैं ना, याद रखिए बहुत नुकसानदेह है, मेरी बात को याद रख लीजिए, बहुत नुकसानदेह, जिल्द को काला कर देते हैं, और ऑलरेडी वो एक सेंसिटिव स्किन है, उसके अंदर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल अगर करते भी है कोई तो बहुत महंगी वाले इस्तेमाल करें। क्रीम से बेटर मैं कहूँगा फिर सीज़र का यूज़ करें, बहरहाल जो भी है, सीज़र हो सकता है, स्ट्रिप्स होता है, क्रीम हो सकता है, लिक्विड्स के जरिए निकाला जा सकता है, लेकिन बेटर क्या, मैंने बता दिया, लोहे का इस्तेमाल, क्योंकि हदीस के अंदर है, साबित है, मैं समझता हूँ मुझे और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। और ये मुस्तहब इसलिए भी है कि जो लोहा होता है ना, उसकी जो रगड़ होती है, वो रगड़ से सब गिलाजत गंदगी वगैरह घस कर साफ़ हो जाती है, स्किन एक तरह से रिनोवेट हो जाती है, रिजुविनेट हो जाती है, साफ पाक हो जाती है, रगड़ बैठने से सफाई हो जाती है मुकम्मल, और करना चाहिए। बहरहाल चलिए आगे, अस्सलामु अलैकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोजाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए IDs को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।